डीसीपी को आना है, जब तक डीसीपी आएगा नहीं ना कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। ये तो कमीशन को बुलाऊंगा फिर मैं, अब मैं चुप नहीं रहने वाला, बहुत हो गया नाटक। पुलिस आएगा के लिए मदद करने के लिए तो पुलिस को मदद। अरे बच्चे को मार के मेरे 3 दिन हो गए, हम भी यही चाहते हैं। क्या दिया फांसी के अलावा? हम भी यही चाहते हैं। जो चिल्ला रहे मेरे नाम की, हमने आपको चुन के दिया है और आपके एरिया में क्या हो रहा है? मैं लगाऊ आपके सीसीटीवी? मेरी जिम्मेदारी है, लगा हुआ है एसी चौकी में। चौकी में सीसीटीवी कौन देखता है? मैं अगर आप बोल दीजिए मेरी बाहर के सीसीटीवी का चौकी के अंदर सीसीटीवी जो चौकी के अंदर जो सीसीटीवी है वो किस किसकी जिम्मेदारी? वो चल रहा है। आपने मुझे कहा, मैंने कहा कि आपने चेक किया, आपने कहा सीसीटीवी नहीं चल रहा है, तो पुलिस वाले ने कहा कि जब मारने आएंगे तब बताना हमको। और वो आए मार के चले गए, और मारने के बाद ये औरत मां जाती चौकी में, उसको हिम्मत करे बेटा मर रहा, उसको लगा सर थोड़ा झूठ बोला। सर ने कहा कि मर गया क्या, जब मर जाएगा तो आना, उनका नाम लिख दो। मैं पुलिस दोषी इसमें नहीं है, पुलिस का रवैया अगर ये होगा तो क्या धंधा किसके मन जाएगा? अरे भाई मैं कहा क्या रूम चाहिए आप इसको? एक आदमी को बोल सकते हैं कि भाई आज ये प्रॉब्लम में पा जाओ उपाय थे ना अंसारी साहब, आपको सारी बातें हमने बोला है और सब समझा के ही बोला है। अभी 8-12 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी, बस हो गया जी जी। रोज लफड़ा फैला, रोज मर्डर, रोज लफड़ा। पढ़ लेना उसमें क्या लिखा, वो तो हमने खुद ने लिखा, उसने जब बोला तभी हमने लिखा, वो बोला वैसे लिखा, वो अनजान से बनाया वो लिखा है, लेकिन वो दूसरा साइल ही साइल लिखा है। जिसने लिखा है जब वो कह रहा है कि फरियादी कह रहा है, खुद से कह रहा है ये 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 नाम का दूसरा आदमी है, तो थोड़ा सा उसमें अपने को कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पूरा हमारे तो खुलता है, खुलता नौकरी की इंडस्ट्री है, जब ये लड़के बेकार हो जाते हैं, बेकारी में किसी गलत के साथ नहीं करके तो नशा सबसे पहले पुलिस को खत्म करना चाहिए। अगर पुलिस चाह जाए तो परिंदा पर नहीं मारे,